हेलो एवरीवन, आज के इस लास्ट वीडियो ऑफ अ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज में हम हाउ द रिफॉर्मेशन कैन बी डू इन अ पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में जानेंगे। हमने आए दिन सुना है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सी धांधलियां करती हैं, बहुत सी कमियां हैं उनमें, और उस कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड? ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वे क्या अपनी इच्छा से रिफॉर्म को स्वीकार करेगी? क्या वे अपनी इच्छा से इस रिफॉर्म जो बदलाव किया गया उसे बचाए रखेगी और उसे आगे लेके जाएगी? और इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर उनकी इच्छा नहीं है, इट इज़ पॉसिबल टू फोर्स देम रिफॉर्म, तो क्या उन्हें फोर्सफुली रिफॉर्म को, मतलब बदलावों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ये सारे सवाल दुनिया भर में मौजूद बहुत से लोगों के मन में है, और इसका आंसर इतना आसान नहीं है। इस जो बदलाव है उसको लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का जो फाइनल डिसीजन है वो उन पॉलिटिकल लीडर के हाथों में होता है जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें वो पॉलिटिकल पार्टी चुनती है। लोग उन्हें बदल सकते हैं और दूसरे पार्टी के लीडर को ला सकते हैं, पर पार्टी के लीडर को बदल देने से या पार्टी को बदल देने से क्या उसमें बदलाव संभव हो पाएगा? क्या वे अपने आप में बदलाव ला पाएंगे? तो आइए हम इन सारी चीज़ों के बारे में दिए गए सजेशन और पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या अभी तक बदलाव आए हैं एक एक करके जान लेते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव पॉलिटिकल पार्टी में आया है। पहला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है कि कोई भी MLA और MP अब जल्दी ही अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, यानी जो दल बदल का बहुत सालों से काम हो रहा था वो अब इतना आसान नहीं रहा, उसे बदल दिया गया है। ठीक है, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर मिनिस्टर पद हासिल कर लेता है और बड़े पद के लालच में या पैसों के लालच में वो अपना दल बदल देता है, ठीक है, तो ऐसे में उसे अपनी जीती हुई MLA की और MP की सीट को छोड़ना होगा, तब जा कर के वो किसी दूसरे दल में या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है। तो ये एक न्यू लॉ है जिसके कारण जो डिफेक्शन डाउन हुआ है, डिफेक्शन जो किया जाता है, दल बदल होता था, उसे उसमें कमी आई है। पर इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में पावर भी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी MLA और MPs को अपने बनाए हुए या अपने निर्णयों के लिए उन्हें मजबूर कर सकते हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल जो पार्टी के लीडर्स हैं, जिन्होंने डिसाइड किया है कि क्या कानून होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, तो वो इसके लिए MPs और MLA को मजबूर भी कर सकते हैं। अगला जो बदलाव रिफॉर्म किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया है जिसमें जो इन्फ्लुएशन होता है मनी का और क्रिमिनल का, उसे कम किया गया। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है कि अब सारे कैंडिडेट को एक एफिडेविट में अपनी सारे प्रॉपर्टी और जितने भी क्रिमिनल केस है उसका ब्यौरा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस नए सिस्टम के साथ साथ अब लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कैंडिडेट की प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितना पैसे वाला है, अमीर है कि गरीब है, और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने हैं। पर ये चेक करने का सिस्टम नहीं बनाया गया कि जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट देगा वो सही होगी या गलत। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट अपनी गलत इंफॉर्मेशन दे और अपने पैसे और क्रिमिनल पावर
के बल पे इलेक्शन जीत जाए। अगला इलेक्शन कमीशन ने जो रिफॉर्म किया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि अब सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो इनकम टैक्स रिटर्न्स रेगुलरली भरेंगे। बहुत सी पार्टी ने ये काम करना शुरू भी कर दिया है और ये अब एक फॉर्मेलिटी के समान हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टैक्स रिटर्न भरती है। पर ये क्लियर स्टेप नहीं है जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनली डेमोक्रेसी बनाया जा सके। आइए, ये तो वो रिफॉर्म से जो किए जा चुके हैं, इसके अलावा कुछ सजेशंस भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो सजेशन को वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। पहला सजेशन है कि ऐसे लॉ बनाना जिसके कारण इंटरनल अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो कंपलसरी हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए जिसमें सारे मेंबर्स के नाम हो। इसके अलावा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ या फिर हम जज या पंच कह सकते हैं वो नियुक्त हो डेमोक्रेसी के द्वारा, जो पार्टी के डिस्प्यूट और इलेक्शंस करवा सके और हाई पोस्ट को रिक्रूट कर सके। सेकंड जो सजेशन है वो ये है कि ये मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को कि वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट ही प्रोड्यूस करें और जितने भी टिकट वो प्रोड्यूस करें उसमें 1/3 जो है वुमेन कैंडिडेट होनी ही चाहिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए रिज़र्व होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें एक प्रॉपर रिज़र्व कोटा रखना चाहिए वुमेन्स के लिए ताकि वे भी पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन मेकिंग बॉडी में हिस्सा बन सके, मतलब एक हाई अथॉरिटी में भी वुमेन्स का इन्फ्लुएंस या रिज़र्व कोटा होना चाहिए। फोर्थ जो है, देयर शुड बी द फंडिंग इलेक्शन। इलेक्शन का जो फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा देना चाहिए कि ये तुम्हारा फंड है, इसमें तुमको इलेक्शन करने सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को खुद उठाने चाहिए, चाहे वो पेट्रोल हो, पेपर हो और टेलीफोन हो। इसके द्वारा इस तरीके से हम जो कैश जो है वो जो कैश फ्लो होता है इलेक्शन पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस चीज़ से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले साल जो वोटिंग हुई थी उसमें कितना कैश खर्चा लगा था, उसके आधार पर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पर एक्सेप्ट किया दबाव डाल के लगाया जा सकता है। पर क्या इस तरीके से लगाने पर भी वे इन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, वे क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे? ज़्यादा अगर हम कानूनी तौर पे उन पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो वे नए नए तरीके ढूंढ लेंगे इस कानून को तोड़ने के लिए। जी, ये ओवर रेगुलेशंस होती है पार्टी में, ये पार्टी में और करप्शंस या नया काउंटर प्रोडक्टिविटी लेकर आ जाती है। इसके अलावा अगर पार्टीज़ चीट करने लगे इस लॉ को तो हम उसे रोक नहीं सकेंगे। पॉलिटिकल पार्टी कई बार इन सारी चीज़ों को एग्री भी नहीं कर सकती क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है। तो क्या तरीका है कि हम इन रिफॉर्म्स को उनके ऊपर लागू कर सकते हैं, उनके ऊपर थोप सकते हैं? तो दो रास्ते हैं। पहला कि पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके रिफॉर्मेशन के लिए हम लोगों को उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इस हमें उनके ऊपर पिटीशंस, पब्लिसिटी और एग्रीगेशन के जरिए, ठीक है, उन पे एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उन पे दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्रेशर ग्रुप्स है, मूवमेंट्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जनता की आवाज़ बनने की, उनके द्वारा भी हम इन रिफॉर्मेशन के लिए उन पे दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वे रिफॉर्मेशन नहीं मानेंगे तो उन्हें पता है कि वे ज़्यादा समय तक सत्ता में नहीं टिके रह सकते। दूसरा तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टी में इम्प्रूवमेंट लाने का, कि लोगों को बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे क्वालिटी डेमोक्रेसी को बना सके, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए
हम उनमें बहुत सारे रिफॉर्म ला सकते हैं। ओके, जो सिटीजन जो लोग हैं अगर वे सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे और पार्ट नहीं बनेंगे पार्टी का, सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ऐसे में पार्टी में रिफॉर्मेशन नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है बैड पॉलिटिक्स की, उसे सॉल्व करने का बेटर ऑप्शन ये है कि हम खुद पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, उसे जानें और धीरे धीरे करके उस पॉलिटिकल पार्टीज में जिसमें हम ज्वाइन हुए उनमें रिफॉर्म लेकर आए। आपको इस चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आज ये हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।